Assalamu alaikum students, today we are going to study computer of class 7, so let's get started. So here it is, contents list. On unit number 1 it is computer hardware, on page number 3. So let's begin. Unit number 1, computer hardware. A computer. Usually a computer consists of 4 essential parts: the system unit, monitor, keyboard, mouse. ज़्यादातर हमारा computer होता है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, उसका system unit, monitor, keyboard और mouse. These app parts are the hardware parts of a computer. In this unit we learn about the main and major part of the computer. अब ये जो पार्ट्स हैं इनको हम कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं, और इस लेसन में हम इनके अहम पार्ट्स पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ द सिस्टम यूनिट. अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क मेक्स अ सिस्टम. वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप मेक्स अ सिस्टम. अब कुछ चीज़ों का जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उनका कलेक्शन जब साथ काम करता है काम करने के लिए, तो हम उसे सिस्टम कहते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ हिस्सों का कॉम्बिनेशन या उनका रिलेशन एक सिस्टम बनाता है. अब वो जो कॉम्बिनेशन का, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स का मतलब कॉम्बिनेशन है, उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं. द सिस्टम यूनिट इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इज कॉल्ड द सिस्टम बॉक्स. अब जो सिस्टम यूनिट होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, उसे हम सिस्टम बॉक्स कहते हैं. It contains the processor, memory card, disk drives, power supply and communication interfaces. अब इसमें जो है वो processor आ जाता है, memory, disk drives, power supply, communication interfaces वगैरह. The input devices, output devices and peripherals are attached to it. अब जो सारे input, output devices हैं या peripheral devices हैं, वो सारे इसके साथ अटैच होते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैव टू शेप्स ऑफ सिस्टम बॉक्स. अब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके दो तरह के शेप होते हैं सिस्टम बॉक्सेस. एक होता है टॉवर. Towers are upright rectangles. They are usually kept under the desk or in a cabin under the desk. They can also be kept on the floor. A relatively smaller form is called a mini tower. अब जो towers होते हैं वो सीधे ऊपर होते हैं और rectangle shape में होते हैं. वो ज़्यादातर desk के अंदर या cabin के अंदर रखे जाते हैं, या वो ज़मीन पर भी रखे जाते हैं. उनका छोटा सा मतलब, उसकी छोटी साइज को हम मिनी टावर कहते हैं. डेस्कटॉप. डेस्कटॉप आर फ्लैट रेक्टेंगल्स. दे कैन बी केप्ट ऑन द डेस्क. इट इज़ यूज टू सेव स्पेस. अब जो डेस्कटॉप के होते हैं वो फ्लैट, मतलब वो सीधे रेक्टेंगल्स होते हैं, एक और एक ऐसे मतलब लेटे हुए, तो वो हमारे डेस्क पर भी रख सकते हैं. ये ज़्यादातर जो है स्पेस को बचाने के लिए यूज़ होता है. The components of the system unit. Here is the list of almost all components of the system unit. अब system unit में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो ये सारी लिखी हुई हैं. motherboard, processor, memory, expansion slots, expansion cards, ये सारे हमारे आते हैं. तो पहले हम motherboard को study कर लेते हैं. अब motherboard sometimes alternatively known as main board or system board is the main printed circuit board PCB found in computers and other expendable systems. In Apple computers it is called the logic board. अब जो motherboard होता है हम उसे main board या system board भी कहते हैं, और वो circuit board का होता है वो हमारे computers का या फिर दूसरी चीज़ों का. अब जो Apple computers होते हैं उनमें ये logic board कहलाता है. It is the main circuit board of computer. It holds and allow communication between many of the crucial electronic components of a system, such as central processing unit and memory. Provides connectors for other peripherals. Unlike a backplane, a motherboard contains significant
subsystems such as the processor and other components. अब ये जो है हमारा मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, ये सारे कम्युनिकेशंस जो होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के सिस्टम के, जैसे कि सीपीयू हो गया या मेमोरी हो गई, तो उनमें ये कनेक्टर का काम करता है और प्रोसेसर वगैरह इसके अंदर होते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसमें हमारे PS2 कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट होते हैं, SATA 3 पोर्ट्स होते हैं, USB पोर्ट होते हैं, ऑडियो पोर्ट्स, PCS स्लॉट्स, CMOS, बैटरी, पावर कनेक्टर, पावर सॉक, प्रोसेसर सॉकेट, SPDIF पोर्ट्स, IEEE पोर्ट्स, USB पोर्ट, हीट सिंक, PCS स्लॉट्स, SATA 3 कनेक्टर्स, मेमोरी स्लॉट, लैन पोर्ट्स। अब ये सारी जो हैं ये हमारे मदरबोर्ड में होती हैं। अब आते हैं इनके बारे में, हम डीप में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड्स, अ टाइपिकली मदरबोर्ड हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब मदरबोर्ड में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, पेरिफेरल पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स आर यूज टू ऐड पेरिफेरल टू कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड्स कनेक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब जो पेरिफेरल पोर्ट्स होते हैं जिसमें मतलब जो वायर्स के यूज़ होते हैं, इसमें ये कंप्यूटर को ऐड करने में मदद करता है, और माउस और कीबोर्ड कनेक्टर्स भी इसमें मौजूद होते हैं। CPU चिप, दिस चिप इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, इट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, इट हीट्स अप सून व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, देयरफॉर अ फैन इज आल्सो फिक्स्ड ऑन इट्स टॉप, दिस फैन कीप्स द प्रोसेसर कूल। अब ये जो चिप होती है ये मदरबोर्ड में फिक्स होती है, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कह सकते हैं। जैसे ही कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है ये फ़ौरन गर्म हो जाती है, इसलिए इसके ऊपर पंखा चलता है ताकि वो ठंडा रह सके। रैम स्लॉट्स, रैम चिप्स आर इंसर्टेड इनटू दीज स्लॉट्स। अब तीसरे हैं रैम स्लॉट्स, वहाँ पर रैम की चिप्स आती है। एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स आर यूज टू इंसर्ट एक्सपेंशन कार्ड्स। अब वहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, वहाँ पर एक्सपेंशन कार्ड्स डालने में हम डालते हैं। IDE कंट्रोलर, IDE इज शॉर्ट फॉर इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ द सर्किट विच अलाउज द CPU टू कम्युनिकेट विद अ डिस्क टाइप। अब IDE कंट्रोलर होता है, IDE जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये एक सर्किट होता है जो CPU को डिस्क ड्राइव से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। CMOS बैटरी, ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स रिक्वायर CMOS बैटरी, इट प्रोवाइड्स पावर टू द कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS चिप। Even while the computer is turned off, this chip contains information about the system configuration. The CMOS battery allows the CMOS to preserve the configuration setting. अब ये जो है CMOS बैटरी होती है, ये सारे पर्सनल कंप्यूटर्स में होती है, क्योंकि ये हमारे को मतलब CMOS चिप को हमारे पावर देता है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो इस चिप में सारे जो है सिस्टम के सेटिंग्स वगैरह होती हैं इसमें मौजूद होती हैं, तो CMOS बैटरी जो है वो CMOS को परमिशन देती है कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेटिंग को सही कर सके। नंबर 7 इज CPU स्लॉट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द CPU सॉकेट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये जो CPU स्लॉट है हम इसे CPU सॉकेट भी कहते हैं, ये हमारे उसको माइक्रो प्रोसेसर को और PCB को हमारे कनेक्शंस देता है। नंबर 8 इज़ पावर सप्लाई प्लगइन, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर टू मेक द कंप्यूटर ऑपरेट। अब वहाँ पर जो पावर सप्लाई प्लगइन होता है वो हमें अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने में बिजली प्रोवाइड करता है। नंबर 9 इज कैच मेमोरी, कैच प्रोनाउंस एट कैश, मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम कोड और डेटा आर स्टोर्ड इन इट, इट कैन बी एक्सेस्ड इवन बिफोर द रैम, इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस दिस वे। अब जो ये कैश होता है ये हमारे CPU के बीच में मेमोरी रखता है
अब हम ये जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं या डेटा जो है वो इसमें स्टोर हो जाता है, तो ये हमारा रैम से भी पहले एक्सेस हो जाता है और ये इस तरह से ज़्यादा काम करता है। BIOS इज़ शॉर्ट फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द BIOS इज़ अ कोड दैट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। दिस कोड इज़ रिटन ऑन अ चिप कॉल्ड BIOS चिप। अब जो BIOS है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। जो ये BIOS कोड होता है इसमें सारी ज़रूरी मालूमात होती है जिससे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये कोड जो है एक चिप पर लिखा होता है जिसे हम BIOS चिप कहते हैं। द प्रोसेसर, ये हमारा प्रोसेसर है। द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसर और द प्रोसेसर। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिकॉन चिप। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इन द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। द ऑपरेशंस अ माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स आर कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ प्रोसेसर। द इंस्ट्रक्शन सेट इज हार्ड वायर्ड इन द CPU। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट इज द स्लोअर द CPU वर्क्स। अब जो हमारे कंप्यूटर के इनसाइड जो अहम हिस्सा है हम उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब CPU। ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये एक सिलिकॉन के चिप में होता है। ये सारा कंप्यूटर के अंदर के बाहर के सारे ऑपरेशंस जो है वो ये करता है। ये सारे मतलब कंप्यूटर में जो भी सेट हमारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो सब इसे करने होते हैं। और जब मतलब हमारा कंप्यूटर स्लो चलता है तो CPU जो है वो काम कम करता है। द CPU इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एंड क्लॉक यूनिट। अब CPU जो है वो इन कुछ यूनिट्स का बना हुआ है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और क्लॉक यूनिट। टर्न द पेज। The control unit directs and control the activities of the internal and external devices. अब जो control unit है वो हमारा सारे अंदर और बाहर के devices को control करता है। It interprets the instruction fetched into the computer, determines what data if any are needed, where it is stored, where to store the result of the operation and sends the control signals to the device involved in the execution of the instruction. अब ये सारे जो हैं instructions जो आते हैं तो उन्हें देखता है कि कौन सा डेटा है, कहाँ है, अगर चाहिए तो कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखना चाहिए। सारे जो भी कंट्रोल्स होते हैं वो ये करता है। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU इज द पार्ट वेयर एक्चुअल computations take places. It consists of circuits which perform arithmetic operations, for example addition, subtraction, multiplication, division over data received from memory and capable to compare numbers. अब ये जो arithmetic and logic units का हमारा part है ये actually computation करता है। ये जो सारा होता है ये arithmetic operations करता है, जैसे कि addition हो गया, subtraction, multiplication और division, जो भी हमारा सारा data होता है, memory होता है, उससे कंपेयर करता है नंबर्स के साथ। रजिस्टर्स आर अ टेम्प्ररी मेमोरी एरिया इनसाइड द CPU। रजिस्टर्स आर यूज फॉर मेमोरी एड्रेसिंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग। अब जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक टेम्प्ररी मेमोरी एरिया है जो हमारे CPU के अंदर होता है। इनमें मेमोरी एड्रेसिंग होती है या डेटा कहाँ रखा हुआ है या प्रोसेसिंग होती है। द क्लॉक यूनिट रेगुलेट्स द रेट एट विच इंस्ट्रक्शंस आर एक्सक्यूटेड। इन इट ऑल्सो सिंक्रोनाइज ऑल द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स। द फास्टर द क्लॉक द मोर इंस्ट्रक्शंस द CPU प्रोसेसर कैन एक्सक्यूट पर सेकेंड। द स्पीड और क्लॉक रेट इज़ यूजुअली मेजर इन गीगाहर्ट्ज़ GHz। अब हमारा जो क्लॉक यूनिट है ये हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। हमारे जितना फास्ट हमारा क्लॉक चलेगा उतना हमारे CPU और प्रोसेसर जो है हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारी क्लॉक की स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर होती है। नंबर 2.3 मॉडर्न मेमोरी। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जनरली पजेसेस
several distinct types of memory. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in computer where the data is to be processed and instructions required for processing are stored. अब हमारा जो memory है वो सारे जो हैं हमारी चीज़ें जो होती हैं कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप्स की मेमोरी होती है, ये हमारे डेटा रखने में और इंस्ट्रक्शन रखने में हेल्प आती है। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो स्टोरेज स्पेस होती है जहाँ पर हमारा डेटा या प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है वो दो किस्म की मेमोरीज में आ जाती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर द डेटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब ये हमारे डेटा को रखने में और इंस्ट्रक्शंस को रखने में काम आती है। कंप्यूटर मेमोरी के जो स्टोरेज है कंप्यूटर में वो वहाँ पर डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस होकर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। नंबर वन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट एक्सेस बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी मेन मेमोरी भी कहलाई जाती है। ये सारे वो एक्शंस और इंस्ट्रक्शंस रखती है जो हमारा CPU भेजता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ द सिनोनिमस विथ रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारी प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कही जाती है। एज अ कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स कैलकुलेशन इट इज़ कंटिन्यूसली रीडिंग एंड राइटिंग फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम रैम। अब जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे कैलकुलेशंस तो करता है फिर वो कंटिन्यूसली रीडिंग करता है जैसे स्टोर करता है और रिट्राइव करता है हमारे इंफॉर्मेशन को रैम से। जस्ट फॉर इंस्टेंस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर रिट्राइव फ्रॉम रैम फॉर प्रोसेसिंग बाय द CPU एंड द रिजल्ट्स आर रिटर्न टू रैम। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हो गया और डेटा हो गया वो रैम से आकर फिर CPU से प्रोसेस होकर रिजल्ट्स जो है वापस रैम के पास चले जाते हैं। बी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और मास स्टोरेज। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मास स्टोरेज कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। हार्ड ड्राइव फ्लैश ड्राइव मेमोरी डिस्क आर वाइडली यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेजेस। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये CPU से डायरेक्ट एक्सेस मतलब नहीं होती एक्सेस। हार्ड ड्राइव फ्लैश ड्राइव मेमोरी डिस्क ये सारी जो भी हमारी चीज़ें हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती है। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ दीज डिवाइसेस इज मच स्लोअर फॉर द डिवाइस दैट प्रोवाइड कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के हिसाब से इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। लाइक प्राइमरी मेमोरी मैनी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिट्राइविंग इट। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में मेमोरी रिट्राइव होती है स्टोर होती है ऐसे ही सेकेंडरी में भी होती हैं। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव फ्लॉपी डिस्क एब्सोल्यूट नाउ एंड टेप्स हैव दिस रीड राइट कैपेबिलिटी। जैसे कि हमारे मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव है फ्लॉपी डिस्क है टेप्स हैं ये सारे इनमें रीड राइट कैपेबिलिटी होती है। हाउएवर सम मास स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली रीड डेटा एज इन द केस ऑफ CD-ROM। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROMs यूटिलाइज ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी न्यूअर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी सच एज CDRW। कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल कैन बोथ रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन लाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पर जैसे कि इनको चलाने के लिए कुछ हमें चाहिए होते हैं डिवाइसेस जैसे कि CD-ROM हो गया और CDRW हो गया। इनमें हम सिर्फ कुछ में देख सकते हैं और कुछ में हम उसको रीराइट भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स। अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग वेयर एन एक्सपेंशन स्लॉट कैन बी इंसर्टेड इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन स्लॉट।
अब वहाँ पर एक लंबी और बिल्कुल तंग जगह होती है जहाँ पर हम एक्सपेंशन कार्ड लगाते हैं, तो उसे हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स AGP। AGP इज़ अ हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल फॉर अटैचिंग अ वीडियो कार्ड टू अ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। इट असिस्ट इन व्यूइंग 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब जो AGP होता है वो हाई स्पीड मतलब वीडियो अटैचिंग कार्ड होता है जो मदरबोर्ड में लगता है। ये हमें 3D कंप्यूटर के ग्राफिक्स दिखाने में हेल्प करता है। नंबर बी इज़ पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI। द PCI स्लॉट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग एग्जिस्टिंग स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। जो PCI स्लॉट होता है वो सबसे लंबा जो स्लॉट होता है हमारे मदरबोर्ड का। एंड वर एक्सपेंशन स्लॉट्स फॉर कार्ड्स लाइक मोडेम, लैन कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, इवन ओल्ड वीडियो कार्ड्स। अब हमारे जो हैं मदरबोर्ड में ये सारे भी होते हैं, जैसे कि मोडेम्स हो गए, लैन कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड्स हो गए और पुराने वीडियो कार्ड्स। नाउ मोस्ट ऑफ द लिस्टेड डिवाइसेस आर इंटीग्रेटेड इनटू मदरबोर्ड, सो देयर इज़ द लेजर यूज़ ऑफ PCI स्लॉट्स। अब जैसे कि पहले हमारे जो हैं डिवाइसेस का इंटीग्रेटेड होते थे मदरबोर्ड में, सो अब हमारे PCI स्लॉट्स होते हैं वो कम होते हैं यूज़। सी PCI एक्सप्रेस, PCI एक्सप्रेस इज़ द न्यूएस्ट स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंशन कार्ड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। अब जो हमारे PCI एक्सप्रेस है वो हमारे एक्सपेंशन कार्ड्स के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। PCI एक्सप्रेस हैज़ रिप्लेस्ड ओल्डर स्टैंडर्ड्स लाइक PCI एंड AGP। अब जो PCI एक्सप्रेस है उसने PCI और AGP की जगह ले ली है। PCIe प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंटली मोर बैंडविड्थ अलाउइंग फॉर हायर परफॉर्मेंस वीडियो कार्ड्स एंड नेटवर्क कार्ड्स। अब जो PCIe है वो हमारे ज़्यादा हमारे हाई परफॉर्मेंस वीडियो कार्ड्स और नेटवर्क कार्ड्स को अलाउंस देती है। नंबर डी इज़ PC कार्ड। ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड PCMCIA, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। इट इज़ अ पेरिफेरल इंटरफेस फॉर लैपटॉप्स। अब जो हमारा ये PC कार्ड है ये हमारा PCMCIA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। ये हमारा पेरिफेरल इंटरफेस है, लैपटॉप्स में यूज़ होता है। ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ICA इज़ अनदर टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स यू मे हैव हर्ड ऑफ। इट वॉज अ प्रीडिसेसर टू PCI। यू विल फाइंड इट ओनली ऑन ओल्डर कंप्यूटर्स। ये हमारा जो है पहले के एक्सपेंशन स्लॉट्स में होता है, ये शायद आपने सुना हो। ये हमारा प्रीडिसेसर होता था, ये सिर्फ पुराने कंप्यूटर्स में पाया जाता है। एक्सपेंशन कार्ड्स। द एक्सपेंशन कार्ड इज़ नोन बाय मैनी नेम्स, एड ऑन कार्ड्स, इंटरनल कार्ड्स, इंटरफेस अडेप्टर, एक्सपेंशन बोर्ड अडेप्टर कार्ड और एसेसरी कार्ड्स। एन एक्सपेंशन कार्ड इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंसर्टेड इन टू एन एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ अ कंप्यूटर मदर बोर्ड टू एड फंक्शनली टू अ कंप्यूटर सिस्टम। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स। जो हमारे एक्सपेंशन कार्ड्स हैं वो हमारा एड ऑन कार्ड्स और बहुत सारे दूसरे नाम्स भी कहे जाते हैं। ये हमारा एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिस जो हमारा एक्सपेंशन स्लॉट्स में डाला जाता है कंप्यूटर के मदर बोर्ड में। ये हमारे बहुत सारे फंक्शंस कहते हैं। ये एक्सपेंशन स्लॉट्स के नीचे एक लिस्ट दी गई है, लेट्स रीड इट। नंबर वन मॉडेम, इट अनेबल्स अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइन्स। अब जो हमारा एक मॉडेम होता है वो हमें हमारे कंप्यूटर को अलाउ करता है ताकि हम अपने टेलीफोन लाइन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज और मंगवा सकें। नंबर टू इज़ MPEG डिकोडर। इट इज़ यूज बाय कंप्यूटर्स टू डिस्प्ले अ वीडियो। अब ये जो MPEG डिकोडर है ये हमारे वीडियो शो करने में हेल्प करता है। नंबर थ्री इज़
Network interface card. It enables a computer to connect to a network such as a home network or internet using an Ethernet cable. अब हमारा जो ये कार्ड है ये हमारे नेटवर्क होम नेटवर्क बनाता है और हमारा इंटरनेट को Ethernet cable के साथ connect करता है. Sound card. It provides a computer with the ability to produce sound that can be heard by the user either over speakers or headphone. अब ये sound card जो है ये हमें मतलब आवाज़ें सुनाई देने में काम आता है. फिर हम वो स्पीकर्स के थ्रू सुने या हेडफोन्स के थ्रू. वीडियो कार्ड. इट इज़ अल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज ग्राफिक कार्ड्स वीडियो बोर्ड और अ वीडियो कंट्रोलर. इट अलाउज अ डिस्प्ले डिवाइस सच एज मॉनिटर टू डिस्प्ले इमेजेस फ्रॉम द कंप्यूटर. अब ये जो है ये हमारा अल्टरनेटिवली यूज़ होता है ग्राफिक वीडियो कार्ड्स की जगह जो हमें वीडियोस और इमेजेस हमारे दिखाता है कंप्यूटर पर. नंबर 6 इज वीडियो कैप्चर कार्ड. इट कैप्चर सिग्नल्स फ्रॉम अ वीडियो कैमरा. दीज सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू अ वीडियो फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स. अब ये जो है हमारे सिग्नल्स लाता है जो हमारे वीडियो कैमरा से आते हैं, फिर ये सिग्नल्स जो है वीडियो फॉर्मेट में आ जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर पर इस्तेमाल होती है. टीवी ट्यूनर कार्ड. इट अलाउज टेलीविजन सिग्नल्स टू बी रिसीव्ड बाय अ कंप्यूटर. अब ये हमारा जो है टीवी ट्यूनर कार्ड ये हमारा टेलीविजन से सिग्नल लेकर कंप्यूटर के थ्रू हमारा करता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रीडिंग. वी विल सॉल्व अवर एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व अवर एक्सरसाइजेज. हेयर इट इज एक्सरसाइज नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो हेयर इट इज क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द सिस्टम यूनिट. सो लेट्स आंसर इट. We will start from here. A collection of components, elements that work together to perform a task makes a system. We can say that the combination of some components and their relationships make a system. पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे अपने कॉपी में, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. It contains the processor, memory, disk drives, power supply and communication interfaces. The input devices, output devices and peripherals are attached to it. यहाँ तक. पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. Question number 2. How many shapes does a desktop system box have? Describe them. Answer is desktop. Computers have two shapes of system box. Number 1, tower. Towers are upright rectangles. They are usually kept under the desk or in a cabinet under the desk. They can also be kept on the floor. A relatively smaller form of is called mini tower. यहाँ से पहले हम ये heading डालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम इसकी heading डालेंगे. Number 2, desktop. Desktops are flat rectangles. They can be kept on the desk. They are used to save the space. फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. Question number 3 है हमारा, name the components of the motherboard. Following इसका answer है ये, और ये हम यहाँ से लेकर इसके next page के यहाँ तक लिखेंगे पूरा ही. Question number 4 is, write about the following CPU chips, CMOS, battery, cache memory. So answer is CPU chip. This chip is fixed on the motherboard. It is also called the processor or microprocessor. पहले हम ये heading डालेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिखेंगे, फिर हम heading डालेंगे CMOS battery की, फिर start करेंगे यहाँ से. All personal computers require this battery. It provides power to the complementary metal oxide semiconductor CMOS chip even while the computer is turned off. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हम लिखेंगे, फिर हम heading डालेंगे अपनी कैश मेमोरी की. Cache, pronounced as cache, memory is placed between CPU and main memory. Frequently used program code or data are stored in it.
इसकी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। सो पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर हेडिंग डालेंगे CMOS बैटरी की, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर डालेंगे हेडिंग कैश मेमोरी की, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। आंसर इज द CPU इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड क्लॉक यूनिट। सो पहले हम लिखेंगे द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन फेच्ड इनटू द कंप्यूटर, डिटरमाइंस व्हाट डेटा If any are needed, where it is stored, where to store the results of the operation. पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम नीचे वाली लाइन पर स्टार लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन हम कट कर देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ से नेक्स्ट लाइन पर स्टार डालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। The arithmetic and logic unit ALU is the part where actual computation take places. It consists of circuit which perform arithmetic operations. Examples are addition, subtraction, multiplication and division. हम स्टार लगाएंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। फिर अगेन हम लाइन नीचे वाली लाइन पर स्टार लगाएंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। Registers are a temporary memory area inside the CPU. Registers are used for memory addressing, data manipulating and processing. यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम उसकी नीचे वाली लाइन पर आएंगे, स्टार लगाएंगे। The clock unit regulates the rate at which instructions are executed. It also synchronizes all the various computers components. The faster the clock, the more instructions the CPU or processor can execute per second. अब हम उस स्टार का काम यहाँ से यहाँ तक लिख कर फुल स्टॉप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। सो हमारा आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट एक्सेस बाय कंप्यूटर, सेंट्रल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और मास स्टोरेज। इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस not directly accessible by the CPU. Hard drives, flash drives and optical disk are widely used for the secondary storage. अब पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सो अवर क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस डू यू नो, नेम देम। आंसर इज नेम ऑफ सम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंशन कार्ड, MPEG, डिकोडर, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड। सो पहली हमारी हेडिंग है MPEG डिकोडर। इट इज़ यूज बाय कंप्यूटर्स टू डिस्प्ले अ वीडियो। हम पहले हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सेकेंड है साउंड कार्ड। इट प्रोवाइड्स अ कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय द यूज़र ईदर ओवर स्पीकर्स और हेडफोन। अब हमारे यहाँ से ये यहाँ तक हम लिखेंगे अपने कॉपी में, पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे। फिर थर्ड है हमारा वीडियो कार्ड। पहले हम वीडियो कार्ड की हेडिंग डालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अल्टरनेटिवली रिफर्ड टू एज अ ग्राफिक कार्ड, वीडियो बोर्ड और अ वीडियो कंट्रोलर। इट अलोज अ डिस्प्ले डिवाइस सच एज मॉनिटर टू डिस्प्ले इमेजेस फ्रॉम द कंप्यूटर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड हो गया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स 9। क्वेश्चन 9 है हमारा राइट अबाउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लॉट्स, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, AGP, PCI एक्सप्रेस, PCIe, ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर।
अब इसके स्टार्ट करेंगे हम आंसर लिखना। एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स AGP, AGP इज अ हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल फॉर अटैचिंग अ वीडियो कार्ड टू अ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। हम पहले इसकी हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे PCI Express की। PCI Express इज द न्यूएस्ट स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंशन कार्ड्स ऑन पर्सनल कंप्यूटर। PCI Express हैज़ रिप्लेस्ड ओल्ड स्टैंडर्ड्स लाइक PCI and AGP। अब इसकी हेडिंग डालकर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम तीसरी हेडिंग डालेंगे ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ISA इज अनदर टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट यू मे हैव हर्ड ऑफ, इट वॉज द प्रेसिडेंसर टू PCI। अब हेडिंग डालकर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सो हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो चुके हैं, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स एंड द रिलेशनशिप मेक्स ए अ सिस्टम। नंबर टू विच इज नॉट अ नेम फॉर द मदरबोर्ड। नंबर सी सर्किट बोर्ड। नंबर थ्री CMOS इज शॉर्ट फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नंबर फोर डैश मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड इवन बिफोर द रैम कैश मेमोरी। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। सो हेयर नंबर फाइव इज द पार्ट वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक प्लेस इज सी द ALU। नंबर सिक्स टर्म मास स्टोरेज इज अ सिनोनिम फॉर ए सेकेंडरी मेमोरी। नंबर सेवन द न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंशन कार्ड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स डी PCI Express। ये सारे सॉल्व हो गए हैं और आप इसे एज इट इज़ कॉपी पर उतारेंगे। सो लेट्स सॉल्व अवर थर्ड एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। नंबर वन इज डैश आर फ्लैट रेक्टेंगल्स डेस्कटॉप्स। नंबर टू ऑल द मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स लाइक द प्रोसेसर एंड मेमोरी आर फिक्स्ड ऑनटू द डैश मदरबोर्ड। नंबर थ्री द फैन keeps the dash cool processor. 4. The operations a microprocessor performs are called the dash of the processor. Instruction set of the processor. Number 5. Modern RAM is made of dash circuitry semiconductor. Number 6. Dash was the predecessor to PCI ISA. अब ये मैंने जो है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कर दिए हैं, नीचे भी आपकी लिखी हुई हैं। अगर आपको समझ ना आए तो वैसे यस आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पर उतारना है। और दैट्स ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज एंड रीडिंग। सो वी विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट टाइम विद अ न्यू लेक्चर एंड न्यू एक्सरसाइजेस। So see you soon. Thanks for watching.